वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निधि मिश्रा ब्लॉग। सो गाइस आज है सैटरडे, मिश्रा जी जा चुके हैं ऑफिस और यहाँ सब मैं भी नहा धो के रेडी हो गई हूँ, लेकिन मेरा बच्चा अभी रेडी नहीं हुआ है। ये सुबह से उठ के खा के सो के फिर से उठ गया है, लेकिन नहाया नहीं है, तो बहुत गंदा बच्चा हो गया है ना मानव, है ना? बोलो आप नहीं नहाए हो ना? नहीं ना आयो? मम्मी हाँ, नाने नाने जाओगे? मम्मी हाँ, नाने जाओ नहाओ। नहीं नहाओगे? आज पता नहीं क्या हो गया इसको, वैसे तो मतलब मैं मना करूंगी ना नहाने के लिए, तब भी अपने से हाँ बोलिए बोलिए, नहाने क्यों नहीं जा रहे हो? जाओ मानव, जाओ जाओ नहाने। क्यों नहीं नहाओगे? वैसे तो अपने से ही वॉशरूम का गेट खोलेगा और चुपचाप घुस जाएगा बाथरूम में, तो जाके पहले आधे घंटे खुद नहाएगा, उसके बाद मैं नहलाने जाती हूँ उसको। अच्छा बैठ जाऊँ? अच्छा लो बैठ गई, अब बोलो बोलो। सो गाइस आज मैंने नाश्ते में बनाया है मस्त गरम गरम छोले और पूरी, वैसे चावल भी बनाई थी मिश्रा जी को टिफिन ले जाने के लिए, बस थोड़ी सी बनाई थी क्योंकि फिर ठंडा हो जाता है सुबह का बनाया हुआ, तो अपने लिए गरम बनाएंगे। तो हाँ अभी बज चुके हैं दिन के, सुबह के नहीं दोपहर के 11 बज चुके हैं। क्या नहीं ताता? आज दीदी भी आई थी, थोड़ा लेट आई थी, वैसे तो कल तो बड़ा जल्दी आ गई थी, तो मैं उनको बोल रही थी आज की 6:30 बजे जैसे आप कल आए थे वैसे आ जाया करो तो अच्छा रहे, सारा काम सुबह सुबह हो जाया करे। हाँ दूध रखा है बेटा, तो चलिए चलते हैं नाश्ता पानी कर लेते हैं। मनु भी नहा धो के रेडी हो गई है, आज मनु जल्दी नहा ली मेरे कॉम्पिटिशन में कि मम्मा नहा ली है तो मैं भी नहा लेती हूँ। ये क्या देख रही है? कपड़े रख रहे आज बिना बोले तुम नीचे मुंह देखिए, मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ। क्यों नहीं होता? ओ, फ्रंट में नहीं होता, फ्रंट में तो ऑलरेडी जूम ही रहता है। सो गाइस चलते हैं बना लेते, थोड़ा सा दाल चावल भी बनाना जरूरी है मानव के लिए क्योंकि वो बस छोले चावल तो खाएगा नहीं, लेकिन तो थोड़ा सा चावल रखा हुआ है। आज छोले कैसे बने थे मनु? क्या चाहिए लल्ला? खत्म हो गए? कौन खा लिया? कल दो तो बाकी थे। अरे यार इसके ओट्स में पता नहीं कहाँ से कीड़े लग गए सब, हाल तो एक पैकेट ओट्स खराब हो गया। इतना ही है वो, ये इतना मैंने निकाला है और पैकेट रखा है नीचे। अच्छा तो बड़ा वाला पैकेट है पार्टी का। इस बार ज्यादा यूज भी नहीं किया उसका, ओट्स ज्यादा खिलाती नहीं थी, तबीयत खराब हो गया था तो पूरा गुस्सा आता सही में जब कोई। कल दो ठो बाकी था, एक मैं खा गई एक मानव खा गई। अच्छा अरे यार ये दीदी बर्तन धोवे जाती है मुझे। अच्छा मिल गई कुकर की सीटी ढूंढने में बड़ा दिक्कत हो जाता है। तो चलिए दाल चावल बना लेती हूँ मानव के लिए, उसके बाद छोले। और आज मैंने ये विनेगर पता नहीं क्या बनाया, सिरका ऑनियन क्या बोलते हैं इसको, इसको ऐसे रख दिए ना फिर ये खाने में बहुत अच्छा लगता है, रेस्टोरेंट वगैरह जाते हैं। अच्छा मैं आप ये पियोगी? पागल हो क्या? वो प्याज जो डला है ना उसमें उसको यूज करें, पिंक पिंक रहता है प्याज, बहुत टेस्टी लगता है। पापा को बहुत, मिश्रा जी को बहुत पसंद है, वो हमेशा मुझे बोलते हैं बनाने के लिए। लास्ट टाइम मैं बनाई थी लेकिन मुझे पता नहीं था कि उसको ना पूरा दिन रखते, मतलब थोड़ा देर के लिए रखी मैंने, रखा एक दो घंटे के लिए रखा ही था, फिर मुझे लगा कि हो जाएगा लेकिन उसमें उसका टेस्ट नहीं आया था। पकड़ो तो
बनाऊंगी क्योंकि छोले रखे हैं तो हम लोग ज्यादा यूज नहीं करेंगे। हाँ मानव, मानव नमक, मानव स्माइल, हेलो कर दो, हेलो करो, हाँ माता, हाँ हेलो करो माता, पहले ऐसे हेलो करो, हेलो हेलो हेलो, हैप्पी फादर्स डे, आज नहीं है बेटा कल है। हाँ तो ये ब्लॉग तो कल जाएगा ना। समझ नहीं आ रहा, मदर्स डे पे तो तुमको बड़ा अच्छा गिफ्ट दी थी, केक काटी थी ये वो, पर केक बनाने की सामग्री नहीं है। क्या नहीं है? सामग्री, सॉरी गलती से सामग्री बोल, सामग्री नहीं है। हाँ जी, क्या क्या सामग्री चाहिए आपको? ब्रेड और चॉकलेट, बिस्किट्स। अच्छा हम तेरे को तो केक ना मंगा देंगे। हाँ मंगवा देना, मतलब मेरे लिए। उस बार तो मेरे को पता था कि मैं पापा को कई बार बोली भी थी पापा ऑर्डर करे क्या, तो पापा मना कर दिए थे, इसीलिए मैं बनाई। यहाँ पे बन आ चुका खाना मेरा, थोड़ा पूड़ी और छोले। क्यों कर रही हो यार, क्यों कर रही हो? अब चुप रहा है, मत मारो ना मनो। मानव इतना खुश है, इतना खुश है घूमने में। तो किनारे जाओ, गाड़ी आ रही मानव। सो गाइस मैं निकल गई हूँ फिर से वॉक पे, आज थोड़ा लेट हो गई, भाभी वेट कर रही होंगी वहाँ पे, मनु का इंतजार करती रहेगी, मनु आई नहीं। देखते रास्ते मनु को भी देखते हुए जा रही हूँ, वो मिलेगी तो मानव को उसको दे दूंगी। उधर नहीं, उधर नहीं, इधर चलना है। मौसम भी बहुत अच्छा है, मस्त हवा चल रही, चलो थक गए। आ गई हूँ मैं घर वापस, वॉक वॉक करके आज मानव को भी खूब घुमाई मैं। मानव की साइकिल भी बनवा दी हूँ, लेकिन उसका पता नहीं स्क्रू क्या हो गया, खराबी हो गया, बार बार निकल रहा है, और मानव भी बिल्कुल थक गया है। पानी लाना बेटा, मम्मी क्या खेल रहे हो? अंस सूट पहने हो मानव का, ये क्या है? ब्लॉक्स इसमें लगाओ। अच्छा इसका तो दूसरा है। मानव क्या कर रहे हैं? बाय बाय बाय। कौन है दीदी? मम्मा। हाँ दीदी, दीदी चली गई। अच्छा चलो आप भी अंदर चलो, चलो मम्मी। हाँ अच्छा सुबह, यहाँ पूरा सामान फैला है, बच्चे लोग खेल रहे हैं, और ये देखिए। हाँ हाँ तो नीचे उतरो, अंदर आओ, अंदर आओ मानव, आ जाओ। देखो अंश खेल रहा है ना, अंश के साथ खेलो, आओ आ जाओ लल्ला। सो गाइस यहाँ पे मैं रख रही हूँ सब्जी, लेके आई थी तो मैंने सोचा कि अब लेके आई हूँ तो देखी तो जाली भी गंदी थी, तो मैंने इसको भी थोड़ा सा पेपर वगैरह चेंज कर दिया। और अभी मनु गई है अपना कुछ सामान वामान लेने, और दोनों बच्चे मतलब मानव और अंश, नीचे वाली भाभी का बेटा भी है तो वो खेल रहा है। और इधर फिर मैं लग गई अपना जो सब्जी वगैरह फ्रिज में रखनी थी उसको फ्रिज में रखने लगी, और यहाँ पीछे पीछे मेरे मानव भी आ गया था।
एंड यहाँ सब्जी वब्जी रखने के बाद मैं लग गई हूँ सब्जी काटने में, क्योंकि ऑलरेडी आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया और मनु भी आ गई थी तो और अंश चला गया नीचे। वो आया तो पता नहीं मानव को क्या हो जाता है, इससे मैं पहले तो बच्चों के साथ इतना खेलता था, अब खेलता ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि जल्दी से सब्जी, क्योंकि मिश्रा जी भी बाहर गए हुए हैं, उनको थोड़ा टाइम लगेगा आने में, तब तक सब्जी वगैरह बना लूँ। और मानव को भी आ रही है नींद, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा खाना बनाना है कि पहले ही वो सो जाए। तो इस समय मैं वैसे डेली दो चार दिन से ऐसा हो जा रहा है कि डेली मसाले वाली सब्जी ही बना रही हूँ, तो आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा सिंपल सब्जी बनाऊं। सो गाइस, अभी खाना वाना बन के रेडी हो गया है फाइनली। कितना पसीना चल गया, रोटी बना के आई थी तो नहा गई, तो फाइनली 9:30 आज लेट हो गया। आज आई तो बस सब्जी वब्जी लेने में, फिर नीचे बैठ गई थोड़ा सा, तो उस चक्कर में लेट हो गया। और यहाँ पे देख सकते हैं मानव भी सो गया है आज, बिना खाना खाएगी, अभी उसको भी उठा के खाना खिलाना पड़ेगा। अभी मनु को भी खाना देके आई, आज मिश्रा जी थोड़ा सा बाहर गए हैं तो लेट आएंगे, इसलिए थोड़ा सा मैं खाने में भी लेट कर दी। मैंने सोचा कि चलो अभी तो मिश्रा जी आने वाले नहीं, एक उनको आने का रहता है तो थोड़ा सा ये लगता है जल्दी खाना बना दो, क्योंकि वो आते ही उनको ये रहता है कि भूख लगी है, खाना दो, खाना खा के सोऊंगा। तो आज उन्होंने पहले ही बता दिया था कि मैं लेट आऊँगा, इसीलिए मैंने भी लेट कर दिया। तो मनु मैडम खाना भी खा रही हैं, कल फादर्स डे है तो उसका भी अपना तैयारी कर रही है। इतना सारा काम हो गया आज। सो गाइस, चलिए आज के लिए इतना ही, और आगे का नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, गुड नाइट।